इससे पहले कि मैं ये मटन पूरा ख़त्म कर दूँ, एक शेर याद आ रहा है कि कहा है, यही था मेरा रास्ते पर आके खाने का कारण, यही मटन चंपारण। क्या बात है। मैं कहता हूँ आपको, रास्ते पर बैठकर खाने में जो मज़ा आता है ना, किसी और में नहीं आता। आप तो जानते हो मुझे मटन कितना पसंद है। मैं एक मटन के बारे में कब से सुन रहा हूँ जिसका नाम है चंपारण मटन। अभी ये चंपारण जो है वो बिहार का एक एरिया है, वहाँ ये मटन बनता है। लेकिन बिफोर आई कुड इवन गो टू बिहार, मैंने सुना कि बम्बई में ही अंधेरी ईस्ट में एक राजू करके कोई है जो चंपारण मटन बनाता है। काफ़ी फेमस है इस एरिया में और बहुत लोग इसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं। इसलिए मैं आया हूँ अंधेरी ईस्ट में बिहारी मटन ढूंढने। तो चलिए जाते हैं और पूछते हैं राजू से के खाने में क्या है। मैं पहुंच गया हूं राजू चंपारण मीट हाउस। लेकिन इससे पहले कि आप अपनी उंगलियां चाटे, उसी उंगली से सब्सक्राइब कीजिए। फ्री है, एक रुपया नहीं लगेगा, लेकिन करना जरूरी है, नहीं तो मैं आपको और कहीं नहीं ले जा पाऊंगा। चलो मिलते हैं राहुल से। नमस्ते राहुल जी। अच्छा, आपका पूरा नाम? राहुल कुमार। राहुल कुमार, और आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से हो, और ये चंपारण मटन भी बिहार का ही है? हाँ। और ये जो अगर चंपारण एरिया में जाओगे बिहार में, तो ये मटन वहाँ का है, रेसिपी वही वही की है। ये चंपारण मटन जो है वो हंडे में ही बनता है। अहुना मटन इसको बोलते हैं। अहुना मटन, हाँ मैंने सुना है, अहुना करके। अहुना मटन तो ये हंडे में, फिर क्या होता है इसमें? तड़के मार के उसके बाद पूरा मटन का पूरा ऑल मसाला मिलाकर पूरा बढ़िया से मिक्स करना पड़ता है। ओके। उसके बाद इसको पूरा हंडी में तड़का मार के डाला जाता है। अच्छा। उसको पूरा सील करके उसके बाद कोयले पे डाला जाता है। तो मटन जो होता है वो कच्चा ही होता है? कच्चा, पहले प्योर, पक्के प्योर कच्चा, प्योर कच्चा फ्रिज, पूरा हंडी के अंदर तड़का होता है, हंडी में ही पकता है, हंडी में ही तड़का जाता है, फिर मटन जाता है, फिर मसाले जाते हैं। आप मसालों के बारे में बता रहे हो, तो किस किस्म का मसाला है, किसका? दादी ने भैया को बताया था, भैया 2009 से चला रहे हैं, चलाते चलाते भैया भी हमें सिखा दिया। तो इसके बाद मैं भी चलाता हूँ। भैया को बताया, भैया ने आपको सिखाया, और आप हमें नहीं सिखाओगे वो, क्योंकि वो सीक्रेट है आपका, बराबर? क्या, चलो स्टाइल है, ऐसे भी है, टोपी भी है। टोपी का कुछ सीक्रेट है क्या? ये अपना टोपी है, स्टाइल है, ऐसे स्टाइल है हर जगह पे, टोपी, नॉट बैड। चल बनाओगे थोड़ा? ओके, मैं खाऊंगा, चखना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं कहता हूं आपको, रास्ते पर बैठकर खाने में जो मज़ा आता है ना, किसी और में नहीं आता। चलो चंपारण मटन खा रहा हूं। ये है मेरा चंपारण मटन जो मैंने अभी तक खोला नहीं है। चंपारण मटन के साथ ये रोटी देते हैं, फुलके, चावल आता है, और ये जो चटनी है ना, वो इसमें केला है और मिर्ची है इसमें। मैं चख के देखने वाला हूँ कैसा है, और फिर प्याज और नींबू वगैरह वगैरह। तो कैसे करें इसको? पहले थोड़ा जगह बनाते हैं, फिर इसे खोलते हैं। आ हा, क्वाइट अमेजिंग आई से। छोड़ दो यार, उंगलियां ही यूज करता हूं मैं। चलो
पहले रोटी के साथ खाता हूँ, फिर चावल के साथ खाता हूँ। थोड़ा नींबू डालते हैं इस पे। इमीडिएट जो टेस्ट आता है, दो टेस्ट आते हैं, एक थोड़ा खट्टा और एक तीखा। ये जो मटन है वो सॉफ्ट है, फ्रेश है और बहुत अच्छी तरह पका हुआ है। और नली नली प्याज, नींबू, मटन, इसका टेस्ट काफी कॉम्प्लेक्स है, अर्दी है टेस्ट, बहुत ही रोबस्ट है, जैसे कि किसी ने घर में बनाया हुआ है मटन। तीखा है लेकिन इतना तीखा भी नहीं कि आग लग जाए मुंह में। ऐसा मटन खाया नहीं है कभी, थोड़ा चावल के साथ भी ट्राई करते हैं इसे। और ये चटनी भी इसे टेस्ट करते हैं। चटनी भी ब्यूटीफुल है, लेकिन मैंने कभी चटनी में केला सुना नहीं। वेरी नाइस। मैं कह रहा हूँ अगर आप मटन के प्रेमी हो ना तो आप जरूर यहाँ आकर देखें और खाए मटन, बहुत अच्छा है। वाह, इससे पहले कि मैं ये मटन पूरा ख़त्म कर दूँ, एक शेर याद आ रहा है कि कहा है, यही था मेरा रास्ते पर आके खाने का कारण, यही मटन चंपारण। क्या बात है। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खाना वेस्ट करता हूँ, ये शो ख़त्म होने के बाद अब ज़रूर देखिए कि ये खाना वेस्ट होता है या नहीं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर आपको मटन चंपारण अच्छा लगा, तो प्लीज़ राइट कमेंट, और मैंने जैसे कहा आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है।